नमस्कार, स्वागत है आपका खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर मंदसौर से आ रही है। जर्जर मकान का हिस्सा गिरने से दबे मजदूर, पुलिस ने वाहन में घायलों को पहुंचाया अस्पताल। सूरज सोनी नाम के शख्स की मौत, सुवासरा नगर का है मामला। मंदसौर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जर्जर मकान का हिस्सा गिरने से दबे मजदूर, पुलिस ने वाहन से घायलों को पहुंचाया अस्पताल। सूरज सोनी नाम के शख्स की हुई मौत। जर्जर मकान का हिस्सा गिरा, मंदसौर से इस वक्त की बड़ी खबर। हिस्सा गिरने से दबे मजदूर, पुलिस के वाहन से मजदूरों को अस्पताल पहुंचाया गया। जर्जर मकान का गिरा हिस्सा, मंदसौर से इस वक्त की बड़ी खबर। हिस्सा गिरने से दबे मजदूर, पुलिस के वाहन से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सूरज सोनी नाम के शख्स की मौत। मंदसौर से इस वक्त की बड़ी खबर। जर्जर मकान का गिरा हिस्सा, हिस्सा गिरने से दबे मजदूर, पुलिस के वाहन से घायलों को पहुंचाया अस्पताल। सूरज सोनी नाम के शख्स की मौत। सुवासरा नगर का है मामला। मंदसौर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक जर्जर मकान का एक हिस्सा गिर गया है और मकान का हिस्सा गिरने से उसमें मजदूर दब गए, जिसमें सूरज सोनी नाम के एक शख्स की मौत हो गई। वहीं घायल मजदूरों को पुलिस के वाहन से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। सूरज सोनी नाम के शख्स की मौत हो गई है। सुवासरा नगर का है यह मामला। मंदसौर के सुवासरा नगर में जर्जर मकान का एक हिस्सा गिर गया, जिसमें मजदूर दब गए। पुलिस के वाहन से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और घायलों का वहां पर इलाज चल रहा है। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से मकान का हिस्सा गिरा है और मलबे में मजदूर दब गए, जिसमें कई घायल हो गए। वहीं एक सूरज सोनी नाम के शख्स की मौत भी हो गई है। मंदसौर के सुवासरा नगर का यह पूरा मामला बताया जाता है, जहां पर यह घटना हुई है। वहीं खबर भिंड से है, जहां जिला अस्पताल में सुरक्षा को लेकर एसएफ गार्ड लगाया गया था। गार्ड अपने कमरे में बैठकर राइफल साफ कर रहा था, उसी दौरान धोखे से गोली चल गई। गनीमत रही कि गोली चलने से कोई हानि नहीं हुई। सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली प्रभारी जितेंद्र सिंह मवाई अपने पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को घटना के बारे में अवगत कराया। राइफल की सफाई कर रहे थे, सफाई करते समय गलती से इनने मैगजीन निकालना भूल गया, तो सफाई करते समय एक राउंड निकला, जिससे कि रिकोचीट होकर के वहां से कुछ सीमेंट के कण, एक आरक्षक बगल में बैठा हुआ था एसएफ का, वो उसके हाथ में और पैर में थोड़ा एक जगह, सामान्य सी चोट है, बुलेट की कोई चोट नहीं, बिल्कुल सामान्य सी चोट लगी। वहीं बीजेपी महिला मोर्चा सिहावा के द्वारा विधानसभा स्तरीय तीज महोत्सव का आयोजन किया गया। शीतला मंदिर प्रांगण में हुए इस कार्यक्रम में बीजेपी की मंडल कार्य समिति की बैठक हुई। इसके बाद तीज महोत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम में कुर्सी दौड़, सुआ नृत्य, जोड़ी बनाओ खेलों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी किसान मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री पिंकी शिवराज शाह और महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष वीथिका विश्वास ने शिरकत की। कार्यक्रम में पारंपरिक नृत्य का भी आयोजन किया गया। नगरी ब्लॉक में बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से तीज महोत्सव का आयोजन किया गया और उसमें इस दौरान कई तरीके के कार्यक्रम हुए, जिसमें
नृत्य का भी आयोजन किया गया और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारी संख्या में महिलाओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है और महिलाएं अलग अलग तरीके के कार्यक्रमों में शिरकत करती हुई नजर आ रही हैं। वहीं नगरी छत्तीसगढ़ में आज भी कई प्राचीन परंपरा मौजूद है। कुछ ऐसी ही परंपरा नगरी ब्लॉक के वनांचल इलाके में भी दिखाई देती है। यहां गलती करने पर देवी देवताओं को भी सजा मिलती है। ये सजा बकायदा न्यायाधीश कहे जाने वाले देवताओं के मुखिया देते हैं। यहां शैतान और देवी देवताओं को भी दैवीय न्यायालय की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। आपको बता दें कि नगरी ब्लॉक के कुर्सी घाट बोराई में हर साल भादो माह में आदिवासी देवी देवताओं के न्यायाधीश भंगा राव माई का यात्रा आयोजन किया जाता है, जिसमें 20 कोस बस्तर और 7 पाली ओडिशा सहित 16 परगना सिहावा के देवी देवता शिरकत करते हैं। माना जाता है कि यहां भंगा राव माई न्यायाधीश के रूप में विराजमान होते हैं और सुनवाई के बाद अपराधी को दंड दिया जाता है। को अलीकुट और फिजूरी मेगा घाट पैरी नदी का जो इसका इलाका है, इधर लिया गांव बास्को से पूरे यहां के देवी देवता आज के रोज यहां यात्रा में उपस्थित होते हैं और इस यात्रा में जो देवी देवता फर्जी पाया जाता है या गलत उसने कुछ गलत किया है उस आज के रोज इस देव न्यायालय में देव कोट में उनकी परीक्षण हो जाता, परीक्षण करते हैं। परीक्षण करने के उपरांत उन्हें जो फैल हो जाता है उसे बंदी गृह डाल दिया जाता है। जो यहाँ जो है प्राचीन काल से आदिकाल से पूर्वजों की देन है, जो कि यहाँ की जो थाना है, पेन थाना कहते हैं इसको, यहाँ पर सात पड़े उड़ीसा बीसाकोर बस्तर और पैरी नदी तक के जो भी देवी देवताओं का जो है साल भर में एक बार यहाँ आकर के उनकी जांच होती है और जो सही पाया जाता है वो सही देवी माना जाता है और जो फैल होता है उसको मान्यता नहीं दिया जाता है। उससे आजादी के अमृत महोत्सव ट्रिनिटी कॉन्वेंट स्कूल शिवनी नारायण के छोटे छोटे छात्र छात्राओं ने महापुरुषों की झांकियों में नजर आए। सामुदायिक भवन शिवनी नारायण में बच्चों के पेरेंट्स और आसपास के गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित कर बुलाया गया। रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह के कलाकृति में दिखाई दिए और देशभक्ति भरे कविताओं से लोगों के दिल जीते। ट्रिनिटी कॉन्वेंट स्कूल में कार्यक्रम हुआ और यह कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था, जिसमें छात्र छात्राएं महापुरुषों के गेटअप में नजर आए। इसमें छात्र छात्राओं ने महारानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और कई और देशभक्तों के रूप लेकर लोगों के सामने कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान देशभक्ति की कविताओं से भी छात्र छात्राओं ने लोगों का दिल जीता। वहीं कलेक्टर राहुल देव ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और जिला अस्पताल में निर्मित डायलिसिस कक्ष का अवलोकन किया, जहां उपलब्ध सुविधाओं के बारे में उन्होंने जानकारी ली। उन्होंने ये भी बताया कि जिला अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध होने से जिले के विकास में एक कड़ी और जुड़ गई है। इस दौरान उन्होंने मरीजों से मुलाकात कर चर्चा की और उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने डॉक्टरों को मरीजों का संवेदनशीलता के साथ इलाज करने के निर्देश दिए। मुंगेली जिले के लिए निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल में मौजूद तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने मरीजों से बात की और इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों को यह निर्देशित किया कि डॉक्टर संवेदनशीलता के साथ मरीजों का इलाज करें। पैसा बहुत लगता है, वहन करने पड़ती है बहुत अधिक राशि। एक महीने पहले जब हमारे द्वारा विजिट किया गया था जिला अस्पताल का, तो वहां पर डायलिसिस यूनिट एस्टैब्लिश करने की
हमने प्लानिंग करी थी और उसमें अपने विभाग के अधिकारियों को लगाया था। हालांकि इसकी तैयारी पहले से चल रही थी, लेकिन कुछ जो मुख्य काम है, क्रिटिकल काम है, वो रुके हुए थे। तो उसमें हमने अपने पीएचई की टीम, ईएनएम की टीम और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को लगाया। उसमें वित्त सहायता भी इनको उपलब्ध कराई गई। जल जीवनदीप समिति की टीम को भी एक्टिवेट किया गया था और मुझे खुशी है कि बहुत कम समय में हमारी टीम ने इतना अच्छा कार्य किया है और आज पहला डायलिसिस जो सफल रहा है, ऐसी सूचना मुझे मिली। इसकी उपलब्धि यह है कि अब बिलासपुर नहीं जाना पड़ेगा। डायलिसिस के जो मरीज होते हैं, ऐसे ही उनको पैसा बहुत लगता है, वहन करने पड़ती है बहुत अधिक राशि, तो अब उससे भी बचेंगे क्योंकि निःशुल्क सुविधा रहेगी। और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मुंगेली जिले के लिए एक वरदान साबित हो। कितने लोगों को? इसकी उपलब्धि यह है कि अब बिलासपुर नहीं जाना पड़ेगा। डायलिसिस के जो मरीज होते हैं, ऐसे ही उनको पैसा बहुत लगता है, वहन करने पड़ती है बहुत अधिक राशि, तो अब उससे भी बचेंगे क्योंकि निःशुल्क सुविधा रहेगी। और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मुंगेली जिले के लिए एक वरदान साबित हो। कितने लोगों को? इसकी उपलब्धि यह है कि अब बिलासपुर नहीं जाना पड़ेगा। डायलिसिस के जो मरीज होते हैं, ऐसे ही उनको पैसा बहुत लगता है, वहन करने पड़ती है बहुत अधिक राशि, तो अब उससे भी बचेंगे क्योंकि निःशुल्क सुविधा रहेगी। और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मुंगेली जिले के लिए एक वरदान साबित हो। कितने लोगों को? इसकी वही भिंड जिले में स्वावलंबी भारत अभियान स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह संगठक सतीश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बेरोजगारी मुख्य मुद्दा रहा। इस दौरान कुछ संगठनों ने एक साथ मिलकर देश को फिर से रोजगार युक्त बनाने का संकल्प किया है। भिंड जिले में स्वदेशी जागरण मंच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान बेरोजगारी को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और कई संगठनों ने मिलकर देश से बेरोजगारी दूर करने का संकल्प लिया और लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए भी यह संकल्प लिया गया। स्वदेशी जागरण मंच का अखिल भारतीय सह संगठक दिल्ली से आज यहाँ भिंड के प्रवास पर आया हूँ। देश भर में बेरोजगारी को दूर करने के लिए एक व्यापक अभियान चल रहा है, स्वावलंबी भारत अभियान। देश के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक संगठनों ने यह अभियान शुरू किया है। भारत के युवा यह उद्यमिता की तरफ, स्वदेशी की तरफ, सहकारिता की तरफ आकर और अपने आप को स्वरोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मोड़ें, इसको लेकर ये अभियान चल रहा है। वहीं बलरामपुर कलेक्टर की पहल पर आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने की कवायद तेज हो गई है और अब हर शनिवार को स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों की क्लास जिले के महाविद्यालयों में पदस्थ व्याख्याता ले रहे हैं, जहां शिक्षकों को स्कूली बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ाने के गुण सिखाए जा रहे हैं। बता दें कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में बलरामपुर और वाड्रफ नगर में संचालित महाविद्यालयों के व्याख्याताओं से सेवाएं ली जा रही हैं। वहीं इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के 11 स्वामी आत्मानंद स्कूलों के 66 शिक्षक प्रतिभागी के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। जहाँ तक पहले भी हमने ट्रेनिंग किया है, लेकिन वहाँ पर हमने ऐसे चीजों को सब्जेक्टिवली नहीं जाना है। जैसे कि यहाँ पे हमें पूरा बताया जा रहा है, जैसे मैं लैब असिस्टेंट हूँ, तो लैब असिस्टेंट हूँ तो उस सारे एपरेटस को कैसे उसको यूज करना है, ये सारी चीजें हमें बहुत ही बारीकी से समझाई जा रही है। तो ये बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट रही ट्रेनिंग। सभी कंप्यूटर शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग आयोजित की गई थी, जिसमें सभी स्वामी आत्मानंद स्कूल के कंप्यूटर शिक्षक उपस्थित रहे। इसमें हमारे प्रशिक्षक श्री ओम शर्मा द्वारा हमें प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें हमने उन्हें अपने लैब से संबंधित सभी समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की एवं कक्षा 7वीं, 8वीं और
छठी सातवीं आठवीं के लिए सिलेबस डिजाइन किया। मुझे जिला प्रशासन से एक लेटर मिला था जिसमें आत्मानंद के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए बताया गया था, और ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। सारे टीचर्स जो है बहुत मेहनत से प्रैक्टिकल कंडक्ट कर रहे हैं, और निसंदेह इनके लिए फायदेमंद होगा। और शायद हम लोग इसीलिए हर सप्ताह शनिवार के दिन यहाँ पर एकजुट होते हैं और प्रैक्टिकल को। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय भुवनेश्वरपुर में हमर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों ने तिरंगा रैली निकाला और पोला पर्व भी मनाया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में विभिन्न देशभक्ति कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि पूरे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशन में 20 अगस्त से 30 अगस्त तक हमर तिरंगा कार्यक्रम चल रहा है। स्वामी आत्मानंद भुवनेश्वरपुर के बच्चों में बहुत ही उत्साह देखा गया। कुछ बच्चे भारत माता बनकर तो कई बच्चे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, नरेंद्र मोदी तो कुछ बच्चे भूपेश बघेल बनकर भी विद्यालय में पहुंचे। संस्था के प्राचार्य यादवेंद्र दुबे ने बताया कि आज हमर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किए गए, तो वहीं बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर नृत्य किया। आपको यह भी बता दें कि मुख्य अतिथि द्वारा भी प्रेरक गीत गाया गया, साथ ही बच्चों के द्वारा रंगोली प्रतियोगिता सहित अन्य कार्यक्रमों में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम जो है अपना छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार हमर तिरंगा यात्रा वंदे मातरम योजना के तहत 20 अगस्त 2022 से प्रारंभ है, जो 31 अगस्त 2022। इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं बाकी स्कूल? इससे यही है कि राष्ट्रभक्ति और बच्चों के अंदर राष्ट्रभक्ति का कलात्मक विकास और अपने राष्ट्रभक्ति और एकता की भावना का वो जो है कलात्मक माध्यमों से जो है अपने सांस्कृतिक गौरव की चेतना को जागृत करें। विद्यालय में यह कार्यक्रम शनिवार को एक्टिविटी के माध्यम से होता है। पोला त्यौहार भी मनाया जाना था, उसके अंतर्गत और हमर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों ने प्रातःकालीन में रैली निकाला, उसके पश्चात बच्चों द्वारा एक वहीं धर्मजयगढ़ क्षेत्र की बदहाल सड़कों को लेकर नगर के युवा नेताओं ने आगामी 29 अगस्त को अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा की है, जिसको लेकर एसडीएम मनीष मिश्रा को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा कि कई सालों से क्षेत्र के सड़कों की हालत बदतर है, जिसके कारण आम आदमी का सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि कोयले से भरी गाड़ी के आवागमन से उनकी दिक्कतों को और बढ़ा दिया है। इसको लेकर स्थानीय प्रशासन से मांग करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि दिन में कोयले के का परिवहन बंद कर दिया जाना चाहिए, ताकि आम जनता को धूल डस्ट से निजात मिल सके। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इस संबंध में बार बार प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराए जाने के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। वहीं इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता और अधिवक्ता गगनदीप सिंह कोमल ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कुछ ठेकेदार और अधिकारियों ने सड़क न बनने देने की साजिश के तहत भूपेश सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। धर्मजयगढ़ में सड़क की समस्या को लेकर लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, और इस दौरान सड़क लोगों ने कई तरीके की मांगे भी एसडीएम के सामने रखी और कहा कि सड़क ना बनने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई सालों से सड़कों की हालत बदतर है और दिन में कोयले का परिवहन होने से भी लोगों को परेशानी होती है। कोयले की ढुलाई होने से लोगों को धूल और डस्ट का सामना करना पड़ता है। आज़ादी के आज 75वां साल हम लोग मना रहे हैं। इस वर्ष आज़ादी के 75 साल बाद भी धर्मगढ़ हाटी रोड हम जब से पैदा हुए हैं तब से उसी हालत में देखे हैं और आज तक उसी हालत में है। आज 5G 6G का जमाना है, BS6 गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं, पर हमको सड़कें ही नसीब नहीं है 75 साल बाद भी। तो इस अंधकार रूपी जीवन से हम तंग आके हमारे सड़क रूपी सूरज को जगाने के लिए
एक मुहिम हम छेड़े हैं सड़क, जिसमें हम सड़क का निर्माण कराने के लिए सोमवार से हम अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकेबंदी नीचे पारा जस्टम चौक में करेंगे। वहीं धमतरी वनमंडल की दुगली वन परिक्षेत्र में सफेद काले बूंदी तेंदुआ मृत अवस्था में मिला, जिससे वन परिक्षेत्र में हड़कंप मच गया। विभागीय कर्मचारियों का कहना है कि दुगली के पालतू पशु चरवाहे जब शाम को मवेशियों को लेकर वापस जंगल लौट रहे थे, तभी जंगल में मृत तेंदुए पर उनकी नजर पड़ी, जिसकी जानकारी सहायक परिक्षेत्र अधिकारी को दी गई, जिसके बाद मौके पर विभागीय मुआयना करने पर तेंदुआ मृत अवस्था में पाया गया। बता दें कि तेंदुआ के शिकार के अंदेशे के चलते कार्रवाई की जा रही है। वन विभाग के प्रक्षेत्र अधिकारी दिल्ली को खबर मिली, दिल्ली के सिंहपुर के रास्ते पे एक तेंदुए का डेथ बॉडी मिला है, तो वो मौके पर गए और मौके पर जाकर उन्होंने देखा तेंदुए का डेथ बॉडी है और उसका अवलोकन किया। उन्होंने पाया कि उसमें बॉडी काफी अकड़ गई है और दो तीन दिन लगभग पुराना बॉडी पता। वहीं बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने चिटफंड कंपनी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले तीन आरोपियों को जांजगीर चांपा से गिरफ्तार किया है। शाइनिंग इंडिया रियल एस्टेट और डेयरी लिमिटेड कंपनी के नाम पर आरोपियों ने ग्रामीणों से लाखों रुपये की धोखाधड़ी की थी और फरार हो गए थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बलरामपुर में चिटफंड कंपनी के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी और ठगी करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। लोगों का कहना है कि आरोपी चिटफंड कंपनी के नाम पर लोगों से ठगी करते थे और जिसकी वजह से इन्होंने काफी लोगों को अपना शिकार भी बनाया था। धोखाधड़ी करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई जारी है। वहीं भिंड में सेंटर पब्लिक स्कूल तिराहे पर स्थित चंद्रशेखर उर्फ बंटू बाथम की दुकान में तेज रफ्तार कार जा घुसी, जिसके चलते दुकानदार के ऊपर खौलता हुआ तेल गिर गया और दुकानदार घायल हो गया, जिसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और गाड़ी के ड्राइवर को कस्टडी में ले लिया है। वहीं छत्तीसगढ़ अंचल अपनी लोक संस्कृति और कलाओं के लिए विश्व में जाना जाता है। इसी कड़ी में आज पोला त्यौहार के अवसर पर अंचल के अधिकतर गांव में कई खेलों का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सहेजने का प्रयास कर रहे छत्तीसगढ़ शासन समय समय पर ऐसा आयोजन करवाता रहता है और आधुनिकता के दौर में लोग अपनी संस्कृति और परंपरा को भूलते जा रहे हैं, ऐसे में इस तरीके का आयोजन सराहनीय है। हमारे गांव में आज राजीव यमन किसान क्लब की ओर से यहां पोला के उपलक्ष्य में खेल का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारे गांव के बुजुर्ग पंच सरपंच लोग भी सहमत है। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।